तो आज वहीं से शुरू करेंगे। दो केसेस हैं, एक केस है अभी किसी को एक्यूट फीवर एंड डायरिया डाइसेंट्री ऐसा हुआ था, और एक केस है कैंसर ऑफ टंग का, कुछ साल पहले की बात है, एक केस कैंसर ऑफ टंग का है। दोनों पेशेंट एक ही मेडिसिन से ठीक हुए थे, दोनों पेशेंट में उस मेडिसिन को देने के लिए एक करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स थे, कुछ करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स थे। उस सिम्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला केस है मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उस केस में पॉइंट, मैं आपको केस डिस्क्राइब करूँगा, आपको जो भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। तो एक बुजुर्ग थे मेल, अराउंड 67-68 ईयर्स ऑफ एज, अगर ये हमने केस पहले डिस्कस किया हुआ हो तो मुझे बता देना इन बिटवीन, ठीक है, क्योंकि मैंने एक दो जगह किया हो तो मुझे आज थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मैंने ये किया हुआ है कि नहीं किया। कृष्णा से मैंने वैसे मैंने कंफर्म कर लिया था कि हमने नहीं किया, बट स्टिल। तो एक आप में से कुछ ने सुना होगा जो क्लिनिक में थे अभी रिसेंटली, तो वो नहीं, ठीक है, बाकी के जो हैं। तो वो बुजुर्ग थे 67-68 ईयर्स ऑफ एज, कैंसर था टंग का राइट साइड में, यहाँ जीभ के नीचे बर्निंग होती थी जीभ पे, मुंह में पूरे में खाया पिया नहीं जाता था बर्निंग की वजह से, बहुत थोड़ा खाते थे, हजम भी नहीं होता था, टेंडेंसी फॉर डायरिया थी, थोड़ा बहुत अगर हैवी खा लेते थे तो लूज मोशन लग जाते थे, थर्स्टी थे, चिल्ली थे। जब भी वो क्लिनिक में आते थे, आने के बाद ना वो बाहर में कैबिन के बाहर जो पेशेंट्स के बैठने की जगह है, सीट है, उसके ऊपर लेट जाते थे आके पूरी सीट पे, क्योंकि उनको वीकनेस बहुत महसूस होती है, बोलते थे बहुत थकावट है, मेरे से बैठा नहीं जाता। तो फिर जब उनका नंबर आता था वो अंदर आ जाते थे कैबिन के, अंदर भी आके उन्होंने ऐसे ऐसे करते रहना, वीकनेस बहुत थी। उनके साथ उनकी बेटी आती थी जो उन्हीं के साथ रहती थी, मैरिड थी वो, डाइवोर्सी थी बेटी, उन्हीं के साथ रहती थी, और वो भी यही कंप्लेन करती थी कि लेटे रहते हैं सारा दिन, वीकनेस बहुत, कहते हैं कि वीकनेस है, वीकनेस बहुत फील होती है। तो मैंने पूछा कि वीकनेस कब फील होती है दादा, तो पेशेंट ने बताया कि ये सारा दिन ऐसे ही रहता है, खाया पिया भी ढंग से नहीं जाता, उठना बैठना बड़ा मुश्किल है, बर्निंग है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो कमज़ोरी है ये बड़ी तंग करती है। तो मैंने उनको पूछा भी आप रोज़ की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे हैं, सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? तो बेटी ने बोला कि सुबह तो ये 4 बजे उठ जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ के पूरे घर का राउंड देते हैं। ओके, बोल रहे कि हमारे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर ऐसे घर है पूरा, तो वो ऊपर तक जाते हैं पूरे सेकंड फ्लोर तक सुबह 4 बजे उठ के, सारे पूरे घर का राउंड लगाते हैं, फिर आ जाते हैं, आके बैठ जाते हैं और फिर लेट जाते हैं आके। फिर अगर कुछ उनको लगता है जरूरी है तो उठ के कर लेते हैं, अदरवाइज वो जनरली लेटे रहते हैं। तो मैंने पूछा भी आप आए कैसे हो, बोल रहा कि पैदल ही आया हूँ, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है मेरा आने का, तो मैं पैदल ही आया हूँ। अभी सेकंड केस, एक तो ये हो गया, अभी सेकंड केस, जनरल डिस्पोजिशन, सॉरी पहले वाले की जनरल डिस्पोजिशन वाज इरिटेबल थे, एंग्री थे,
बेटी बोलती है कि सारा दिन किसी ना किसी बात पे डांटते ही रहते हैं मुझे। बेटी भी अराउंड 40 के करीब थी और लेकिन सारा दिन किसी ना किसी बात पे इन्होंने मुझे डांटते ही रहना, इन्होंने मेरे कुछ ना कुछ बोलते ही रहना है। अब मैं आ जाता हूँ सेकंड केस पे। अभी रिसेंटली मुझे फोन आया किसी का कि कुछ किसी के साथ घर पे कोई बात हुई, थोड़ा बहुत कोई झगड़ा हुआ, किसी बात के ऊपर इरिटेशन हुई, एंगर आया, उसके बाद पेट दर्द और नहीं सॉरी नॉट पेट दर्द लेकिन लूज मोशंस शुरू हो गए। एक ठीक है ना, डायरिया था, बहुत प्रोफ्यूज डायरिया, कोई ज्यादा खास ऑर्डर नहीं थी, कोई स्मेल नहीं थी ज्यादा कुछ, कोई पेन नहीं था एब्डोमेन में इनिशियली, देर वॉज नो थर्स्ट जब शुरू हुई सब कुछ। जब सेकेंड डे हुआ तब जाके थर्स्ट शुरू हुई, और फिर थर्स्ट भी काफी ज्यादा थी फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। दूसरे दिन लूज मोशन शुरू होने के दूसरे दिन ठीक है ना, फीवर स्टार्ट हुआ और वॉमिटिंग हुई, वॉमिटिंग एक दो बार ही हुई लेकिन वो बंद हो गए। लेकिन लूज मोशन वो बोल रहे थे कि दिन में 60 से 70 लूज मोशन आ रहे हैं और बहुत प्रोफ्यूज आ रहे हैं और उसकी वजह से बहुत वीकनेस महसूस हो रही है। मैं उनके साथ फोन पे बात कर रहा था, तो एक वीकनेस के बाद एक इंसान की आवाज होती है ठीक है, 70-80 लूज मोशन आए किसी को, उस वीकनेस के बाद इंसान की एक आवाज में भी वीकनेस आती है। जब मैंने उनसे फोन पे बात की तो आवाज जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ ऐसे ही टोन में आवाज थी, ऐसी ही स्ट्रेंथ में आवाज थी ठीक है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग वॉइस, टोन ऑफ वॉइस वॉज स्ट्रॉन्ग और उसमें कोई वीकनेस अपियर नहीं कर रही थी। तो मैंने दोबारा रिकन्फर्म किया भी लूज मोशन हुए हैं सच्ची इतनी बार, बोले हाँ जी बहुत ज्यादा हो रही लूज मोशन। तो और 2-3 दिन 4 दिन से वो जो है वो जहाँ पे रह रहे थे अकेले ही रह रहे थे, वहां पे कुकिंग भी कर रहे थे खुद, एक दो फ्लोर ऊपर जाना होता था कोई पानी वगैरह लेने के लिए या कोई जैसे मोटर बंद करनी है नीचे जाके वो भी करके आ रहे थे, आते थे आके लेट जाते थे, ये बहुत वीकनेस हो रही है ठीक है ना, खाना भी बना लेते थे। तो 2-3 दिन ऐसे चलता रहा उनका, एंड देन आफ्टर अ पर्टिकुलर मेडिसिन द होल थिंग इट बेसिकली गॉट बेटर। ठीक, वी विल कम टू द मेडिसिन पार्ट लेटर ऑन। इन दोनों केसेस में कॉमन चीज क्या है और करेक्टरिस्टिक क्या है, दोनों केसेस में करेक्टरिस्टिक चीज क्या है? वीकनेस फील होते हुए भी सारे काम कर रहे हैं। तो फिर उसको कैसे लेना है, वीकनेस है कि नहीं है? डिजायर फॉर वर्क ले सकते हैं, मतलब डिजायर फॉर वर्क है जी, मेरे काम करने की इच्छा हो रही है, ये सिर्फ उतना ही काम कर रहे हैं जितनी जरूरत है, या उतना ही काम कर रहे हैं जितनी की जरूरत है। एक्टिविटी डिजायर फॉर इज के बच्चा है वो लेट नहीं पाता, उसका मन तो कुछ ना कुछ करूँ, उठ के कुछ ना कुछ करूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, या कोई लेडी है वो बोलती मैं ये काम कर लूँ, मैं अपना गार्डनिंग का काम कर लूँ, मैं कपड़ों को तय लगा लूँ उठ के, देर इज बेसिकली डिजायर फॉर एक्टिविटी जिसको हम एक्टिविटी इंक्रीज भी बोल देते हैं कि उसमें। लेकिन यहाँ पे वो उतना ही काम कर रहा है कंप्लेनिंग ऑफ वीकनेस जितने की उसको जरूरत है, लेकिन वो कर लेता है। कुछ और जो भी जैसे भी दिमाग की प्रोसेसिंग चल रही है, जैसे भी समझ में आ रही प्रोसेस, सर, सेल्फ डिपेंडेंट नेचर ज्यादा है। सेल्फ डिपेंडेंट ठीक है, लेकिन जो पहले वाला केस है वो तो हमेशा अपनी बेटी के साथ कहता था
और उसको बेटी चाहिए भी होती थी हमेशा घर में, उसके साथ लड़ता भी था झगड़ता भी था लेकिन उसको चाहिए भी होती थी वो। पहले तो वीकनेस के बारे में हमने देखना है। एक आदमी जो बोलता है, जो आके कैबिन के बाहर लेट जाता है, मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरे से खड़ा नहीं होया जाता, वो रोज सुबह उठ के 2 फ्लोर चढ़ कैसे लेता है? उनकी बेटी बोलती है कि जी 2 फ्लोर चढ़ते हैं, देखते हैं सारे कमरों में कौन सा कोई स्विच ऑन रह गया, कहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है, मैंने कहीं पे चादर बिछाई है कि नहीं बेटी ने, मतलब वो सब नोट करते हैं। फिर उसको 6 बजे उठा लेते हैं कि तूने रात को ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, सोने से पहले वो ऊपर का लाइट ऑन रह गई, वहां पे तूने चादर नहीं बिछाई, वहां पे ये नहीं किया, बोलो सुबह सुबह झगड़ा शुरू कर देते हैं मेरे साथ। हेलो सर, हाँ जी प्रिंसिपल इवैल्यूएशन होगी हाँ ठीक है, ये फर्स्ट तो एक उनके डिस्पोजिशन का पार्ट है, क्रिटिकल पर्सन ही इज, ठीक है। अच्छा कोई संदीप बोल रहे हैं फील लाइक आर्स, आर्स की वीकनेस बड़ी जबरदस्त होती है, हम उसको जनरली पैरेटिक वीकनेस कहते हैं, वीकनेस होती है उसमें और वो उठ नहीं सकता ऐसे। वो मेंटली तो एक्सियस रहेगा लेकिन फिजिकली ऐसे उठ के चीजें करने लग जाए तो आपको देखने को नहीं मिलेगा आर्स से निकले। हाँ जी कोई बोल रहा था कुछ प्लीज। हेलो हाँ जी हाँ जी सर, सर जी फर्स्ट केस में सर काली कार्ड में ऐसा होता है कि उससे कंपनी की भी बहुत डिजायर होती है, और जिसकी कंपनी चाहिए होती है उनसे वो आउटरेजियसली बिहेव भी करता है, और वो जो मॉर्निंग में 4 बजे उठ के पूरे घर का चक्कर लगा रहा है, अपने लाइक सारे काम को देख रहा है कि बेटी ने चादर ठीक से लगाई है नहीं लगाई है, तो सर वो लाइक काली कार्ड को एक रूटीन अपना पूरा प्रॉपर फॉलो करना होता है, तो दैट मे बी पॉसिबल इस वजह से वो करता हो इतनी वीकनेस होने के बावजूद भी। हाँ अब मैं यहीं पे आपको एक सवाल पूछूंगा, दोनों केसेस में व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग, सब चीजों में से सबसे स्ट्राइकिंग क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट के तो यही स्ट्राइकिंग है कि वो अपनी बेटी पर डिपेंडेंट है, उसको अपनी बेटी की कंपनी चाहिए, बट फिर भी वो उससे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, लाइक वो उसके साथ में एग्रेसिव है, गुस्सा करता है, गलतियां निकालता है, फॉल्ट फाइंडिंग है। और सेकंड केस में स्ट्राइकिंग ये है कि इतना ज्यादा लूज मोशन होने के बाद में सर मुंह से मतलब चू की आवाज निकलना भी मुश्किल लगता है, तो और वो इतना नॉर्मल वॉइस में नॉर्मल टोन में आपसे बात कर रहा है, तो इतना फिजिकली उसको वीक होना चाहिए, बट वो आपसे कैसे बात कर रहा है, मीन्स इट्स रियली स्ट्राइकिंग। ठीक है ना, अब सेकंड केस में ये भी था, उसको कंपनी नहीं चाहिए थी, वो बोल रहे थे कि मेरे को अकेला ही रहना है, मेरे को किसी का वो नहीं चाहिए इंटरफेरेंस मेरे इसमें, जी ठीक है। दोनों केसेस में स्ट्राइकिंग इज द वीकनेस, एक इंसान हु इज बेसिकली सो वीक, वो ऐसे कैसे उठ के कर सकता है, ऐसे उसकी आवाज में नॉर्मलसी कैसे हो सकती है? मोस्टली सबने लूज मोशन को एक्सपीरियंस किया ही होगा जीवन में कभी ना कभी, किसी ने ज्यादा किसी ने कम, या मोस्टली ऐसे लोग देखे होंगे जिनको लूज मोशन लगते हैं, तो उनकी भी हमने देखा है चलने में बोलने में, जनरली जिनको इतने लूज मोशन लगे हों उनका बोलने को मन ही नहीं करता बिकॉज ऑफ द वीकनेस, जनरल कॉमन जो देखने को मिलता है, ठीक है। कोई एंग्जाइटी में अपने सिम्टम्स को बता रहा है अलग बात है, लेकिन द टोन द स्ट्रेंथ ऑफ वॉइस बिकम्स वेरी वीक। सेकंड जो फर्स्ट पेशेंट था, फर्स्ट पेशेंट कैंसर वाला, उसको कैंसर है, खाना पीना प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा कुछ खाता है दिन में, पिछले 1-1.5 साल से ऐसे ही चल रहा है, वो बोलता है मेरे से चला नहीं जाता, मेरे से बैठा नहीं जाता, मैं चाहता हूँ सारा दिन लेटा रहूँ, लेकिन वो फिर भी राउंड लगा लेता है, वो फिर भी क्लिनिक में पैदल चल के आ जाता है। वीकनेस है आपको, आपने कहीं जाना है, चाहे 100 मीटर दूर ही जाना हो, जाना भी जरूरी है पर
आप वॉक करके जाना प्रेफर करोगे कि कोई गाड़ी में, रिक्शा में कोई छोड़ के आ जाए आपको, वो प्रेफर करोगे? और ये नहीं कि उनके पास नहीं था, बेटी के पास था, टू व्हीलर था बेटी के पास, वो बैंक में जॉब करती थी, रोज जाती थी उसके ऊपर, तो वो भी सर नहीं नक्स क्योंकि। फॉर्म, हाँ जी, सर नक्स फॉर्मी का क्यों नक्स स्वामी का क्यों? सर, मतलब अपने काम को मतलब शुरू से इंडस्ट्रियस रहा होगा, फिर मतलब वैसे ही कर रहा है सब कुछ, वैसे ही अरेंज करना चाह रहा है अपने घर में और अपनी बेटी के साथ भी चाह रहा है। आपको कैसे पता वो इंडस्ट्री से रहा होगा? पहली चीज जो हम बार बार बात बोलते हैं कि स्पेकुलेट नहीं करना भी पेशेंट कैसा रहा होगा, ठीक है ना? हमारे पास कोई जी इंफॉर्मेशन नहीं है उनके इस चीज की। ही वाज बेसिकली एक ये शॉपकीपर थे, उनकी एक दुकान थी जिसमें कोई कन्फ्लिक्ट हुआ, वो एक चलो बात की स्टोरी है, लंबी स्टोरी है, किसी दिन केस पूरा डिस्कस करेंगे तो उसको करेंगे। वैसे यहाँ पे मैं जो एक मेजर करेक्टरिस्टिक के बारे में बोलना चाहता हूँ, जो दोनों रेमेडीज में इट हेल्प्ड टू रीच द रेमेडी, इज दिस वीकनेस पार्ट, ये जो वीकनेस का पार्ट है, ठीक है? सर, हाँ स्ट्रॉन्ग विल है पेशेंट की, मतलब वीकनेस होने के बाद भी वो काम कर ले रहे हैं, तो उनकी विल स्ट्रॉन्ग है इसलिए। देखिए, बात वही है कि यहाँ पे विल की बात नहीं है, द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ विल, विल की बात नहीं है यहाँ पे, बात है कि वीकनेस एक जनरल है हमारा, कॉमन जनरल है। जनरली क्यों जनरल है या कॉमन क्यों है? क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी किसी की तरह की फिजिकल या क्रॉनिक या एक्यूट डिजीज आती है, तो वीकनेस इज पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। वीकनेस आती आती, किसी को ज्यादा किसी को कम, तो एक कॉमन जनरल है। लेकिन हमने पहले भी बात की है कि अगर कोई कॉमन जनरल की कोई पर्टिकुलर या करेक्टरिस्टिक मिल जाए, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वही एक आपका बहुत ही पिकुलियर सिम्टम बन जाता है। ये दोनों पेशेंट्स ठीक हुए थे, पहले मैं मेडिसिन का बताता हूँ फिर उसको डिस्कस करेंगे। ये दोनों पेशेंट ठीक हुए थे चिनिनम आर्स के साथ, चाइना आर्स के साथ। यस, देर वार अदर सिम्टम्स ऑल्सो विच पॉइंटेड टू टूवर्ड्स दिस दैट, लाइक इन द केस ऑफ डायरिया, प्रोफ्यूजनेस थी, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर थी, ये सिम्टम्स थे। चिल्ली थे, पहले वाला पेशेंट भी चिल्ली था, तस्टी था, ट्यूमर वाला क्रिटिकल था, जैसे किसी ने लिखा था कि आर्स हो सकते हैं, क्रिटिकल था वो, सेंसोरियस था। बट द मेन थिंग इज दिस वीकनेस। वीकनेस में क्या करेक्टरिस्टिक है? पहली चीज तो आपको ये समझना कि जब पेशेंट वीक है, इतना वीक है, वो उठ नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। इफ द वीकनेस इज ऑर्गेनिक, तो वो चल नहीं सकता, वो उठ के अपना काम नहीं कर सकता। ये बात विल की नहीं है, ये बात है हमारे ऑर्गेनिक बॉडी की कि इतने लूज मोशन लगे हुए हैं। मेरा मन भी बोल रहा है कि मैं इतना वीक हो गया हूँ क्योंकि मेरे को इतने लूज मोशन लगे हुए हैं। मेरा मन बोल रहा है कि मैं खा पी नहीं रहा हूँ इतने दिनों से, 1 साल से, 1.5 साल से ट्यूमर के केस में, तो मैं वीक हो चुका हूँ। लेकिन जब कोई ऐसी चीज आती है करने के लिए, तो मैं कर भी रहा हूं, ये कैसे? चाइना आर्स हैज अ स्टेज, ऑल्दो द पैथोलॉजी दिखाती होती है कि इसमें वीकनेस होगी, और हमें दिखती भी है या दिखनी चाहिए भी कि वीकनेस होनी चाहिए ऐसे केसेस में। चाइना आर्स के केस में वीकनेस आती नहीं है इतनी जल्दी, बट एक फीलिंग रहती है, एक परसेप्शन रहती है वीक होने की। हमारा एक रूब्रिक है,
डिल्यूजन कैन नॉट एंड्योर सच अटर प्रोस्ट्रेशन. यहाँ पे हमारी दो रॉबिट रेमेडीज हैं, चाइना आर्स एंड यूपेटोरियम परफोलेटो. एक फीलिंग होती है, एक परसेप्शन बन जाती है माइंड की कि मैं बहुत प्रोस्ट्रेटेड हूँ, मैं बहुत वीक हूँ और मेरे से कुछ होगा नहीं, मेरे से कुछ हो नहीं सकता, मेरे को कुछ हो ना जाए इस वीकनेस की वजह से. बड़ी बार पेशेंट आते हैं ऐसी वीकनेस के साथ, दी कंप्लेन के डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि सारा शरीर एकदम से खड़ा हो जाए, खड़ जाएगा. ठीक है, उनको पैथोलॉजी भी होती है वैसे, ये नहीं है. लेकिन व्हेन यू लुक एट दी अदर साइड, मैं मानता हूं कि इसको वीकनेस है, होनी भी चाहिए, लेकिन ये उठ के इतना कुछ कर कैसे लेता है, इज ही रियली इन टू अ स्टेट ऑफ वीकनेस, है यहाँ पे वीकनेस कि नहीं है. सो चाइना आर्स में बड़ा करेक्टरिस्टिक चीज बन जाती है व्हेन यू आर प्रिस्क्राइबिंग चाइना आर्स. ठीक है ना, के जिन केसेस में वीकनेस होनी चाहिए पेशेंट में वो चीज दिखती नहीं है. वैसे ऑल द पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ वीकनेस, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को वीकनेस है, लेकिन देखने में नहीं मिलती, उसकी बातों में नहीं मिलती, उसकी बाकी जो अंदाज है, एक रूटीन है, उसमें नहीं मिलती. एंड इन बोथ दीज केसेस चाइना आर्स वर्कड वेरी वेल इन क्योरिंग ऑफ द पेशेंट. हाँ, अगेन बाकी के सिम्टम भी थे, लेकिन मैंने इस सिम्टम को क्यों ज्यादा तरजीह दी है या क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है आज के इस डिस्कशन में, क्योंकि पीछे और भी एक दो केसेस देखे चाइना आर्स के, जहां पे चाइना आर्स वाज प्रिस्क्राइब्ड सक्सेसफुली एंड दिस सिम्टम वाज ऑलवेज देयर प्रेजेंट. ये हमेशा वहां पे था, हमेशा वहां पे होता था. और ये लोग जो वीकनेस की पिक्चर डिस्क्राइब करते हैं, जैसे ये लोग गिरते हैं, जैसे ये लोग गिरते मतलब लेटते हैं आके, वो दिखाता है आपको कि पेशेंट बहुत वीक है. फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन दिखाती है कि पेशेंट वीक है, इसने वेट लूज किया है, इसमें मसल मास वीक हो रहा है, ये इमेसिएट हो रहा है पेशेंट, वो दिखता है सामने. लेकिन फिर आपको सुनने को ऐसी बात मिल जाती है कि जी दो दो मंजिल चढ़ जाते हैं आपको, कोई आया उस दिन सारा दिन बैठे ही नहीं, उनके साथ ही घूमते फिरते रहे. सो दिस इज बेसिकली अ मेंटल परसेप्शन मोर एज कंपेयर टू द फिजिकल सेंसेशन. एक फिजिकल सेंसेशन की जगह एक मोर मेंटल परसेप्शन है वीकनेस की. और ये क्यों इसका करेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि और किसी मेडिसिन में ऐसी चीज देखी नहीं जाती. हमने शायद हमने अभी यहाँ पे नहीं किया वैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स, तो जब वैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स करेंगे किसी दिन करते हैं वैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स, उसमें एक पॉइंट आता है वैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स में कि वो सिम्टम जो प्रूविंग में रेयरली देखा गया है. वैसे इसके ऊपर हमने बात की थी जब मैंने आपको एक इसका ट्यूक्रियम का केस हमने डिस्कस किया था, तब हमने बात की थी इसके ऊपर प्रूविंग्स में, क्योंकि अभी प्रूविंग्स का हमारा चल भी रहा है, तो प्रूविंग्स में जब सिम्टम्स मिलते हैं तो उनमें एक रेयर सिम्टम मिलता है जो सिर्फ एक ही मेडिसिन में मिला या एक या दो मेडिसिन में ही मिला और कभी किसी मेडिसिन में मिला ही नहीं वो सिम्टम. तो दैट सिम्टम एंड दैट मेडिसिन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट वाइल प्रिस्क्राइबिंग, जब ऐसा सिम्टम हमें पेशेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि वो सिम्टम कोई और मेडिसिन प्रोड्यूस ही नहीं करती. तो जब प्रोड्यूस ही नहीं करती तो किसी को क्योर करने की कैपेबिलिटी भी उसमें नहीं है. वो सिम्टम मेडिसिन की इंडिविजुअलिटी को भी दिखाता है और पेशेंट की डिजीज की इंडिविजुअलिटी को भी दिखाता है. एंड देयरफॉर इट बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको डॉक्टर हैनेमन ने क्वीर सिम्टम बोला, PQRS में जो क्वीर है, क्वीर का मतलब ऐसा कभी देखने को नहीं मिला. वीकनेस हम देखते हैं रोज, पेशेंट बताते हैं वीकनेस को, बयान करते हैं अपनी को,
लेकिन ऐसी वीकनेस का करेक्टर वो नहीं हमें कभी देखने को मिला। ठीक है, तो वेन एवर यू सी सच थिंग, अभी इसको लेकिन कंफ्यूज नहीं कर देना, इसको जनरल नहीं कर देनी चीज को, ये बड़ी पर्टिकुलर चीज है। जब मिले ओनली वेन यू सी दिस काइंड ऑफ थिंग, उसी टाइम हमें इसको प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, चलो।